हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ समोसा चाट बनाने की रेसिपी। ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। इस चाट में खट्टा, मीठा, तीखा, चटपटा सारे ही स्वाद मिलते हैं। मैं हर हफ्ते बुधवार को एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश जरूर करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। पर मैंने एक कप काबुली चने लिए हैं जो रात भर पानी में भिगोए हुए थे। इन्हें मैं प्रेशर कुकर में हल्दी और नमक के साथ बॉईल कर लूँगी। जब तक हमारे काबुली चने बॉईल होते हैं, हम इन प्याज, टमाटर, हरा धनिया और हरी मिर्च को बारीक बारीक काट लेते हैं। चाट बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप दही। इसमें मैंने एक टेबल स्पून शक्कर मिलाई हुई है और साथ में ली है हरे धनिया की चटनी, इमली की चटनी और सेब। सेब की जगह पर मैंने यहाँ पर गाठिया और सेब मिक्स मेरे पास था वही यूज़ किया है। आप सेब यूज़ कर सकते हैं। चाट बनाने के लिए और हम लेंगे बारीक कटा हुआ धनिया, चॉप्ड टमाटर, चॉप्ड अनियन और साथ में चॉप्ड ग्रीन चिलीज़। चाट बनाने के लिए मैंने लिए हैं एक कप बॉइल्ड काबुली चने, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 2 टीस्पून चाट मसाला। यहाँ पर मैंने लिया है सॉल्ट टू टेस्ट। चाट बनाने के लिए हम लेंगे आधा नींबू और साथ में लेंगे 1 स्मॉल क्यूब ऑफ बटर एंड 1 टेबलस्पून ऑफ घी। सबसे पहले हम एक पैन को मीडियम फ्लेम पर रखेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून घी डाल देंगे और बटर भी ऐड कर देंगे। घी और बटर यूज़ करने से चाट में एक अलग ही फ्लेवर आता है। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। बटर और घी मेल्ट हो जाएगा तब इसमें मैं ग्रीन चिलीज ऐड कर दूंगी। अब इसमें हम चॉप अनियन डाल देंगे। थोड़े से अनियन हम उठा के रख देंगे ताकि हम सर्व करते हुए यूज कर लें। अनियन को हमें सिर्फ 1 मिनट ही कुक करना है, ज़्यादा नहीं कुक करना है। अब इसमें हम बारीक कटे हुए टमाटर मिक्स कर लेंगे, साथ में नमक, लाल मिर्ची पाउडर और बॉइल्ड काबुली चने भी डाल देंगे। अब हम इसमें जीरा पाउडर और चाट मसाला भी डाल देंगे और साथ में इसमें डालेंगे हम 2 से 3 टेबलस्पून पानी। इन सबको हम थोड़ी देर पकने देंगे। चनों को 1 मिनट पकाने के बाद इसमें समोसे डाल देंगे। समोसों के मैं यहाँ पर पैन में ही टुकड़े कर रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें अलग से प्लेट में पीसेस बनाकर भी डाल सकते हैं।
अब हम चनों में ग्रीन चटनी, टैमरिंड चटनी और हरा धनिया डाल देंगे। चटनी हम आधी उठा के रख लेंगे, सर्विंग करते हुए भी हम उन्हें यूज़ करेंगे। अब इस मिक्सचर में हम सेव डाल देंगे। मेरे पास सेव और गाठिया का मिक्सचर है, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो प्योर सेव भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे 30 सेकेंड्स और कुक करके गैस को बंद कर देंगे। समोसा चाट के मिक्सचर को हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। सर्व करते वक्त हम इस समोसा चाट में दही का मिक्सचर, जिसमें शक्कर मिला हुआ है, वो ऐड करेंगे। साथ में अनियन के पीसेस, टमाटर के पीसेस, ग्रीन चटनी, इमली की चटनी और साथ में सेव और हरा धनिया, इन सब मिलाकर हम इसको सर्व करेंगे। यहाँ पर इसमें हम आधा कटा हुआ नींबू का रस भी डाल देंगे। आप चाहें तो इस पे और तीखा भी डाल सकते हैं। तो हमारी समोसा चाट तैयार है। आप इसे ज़रूर बनाइए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को खिलाइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।